लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। नवी मुंबई के दीघा में कानून का नहीं बल्कि MIDC और पुलिस के संरक्षण में भू माफियाओं का जंगल राज चलता है। जी हाँ, अंबिका बिल्डिंग में दिन दहाड़े चल रहा अवैध कब्जा और बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेशों की खुली अवमानना के बाद भी कार्रवाई नहीं होना इसका बड़ा संकेत देता है। टीवी वन इंडिया के हाथ लगे दस्तावेज इस बात का भी सबूत देते हैं कि किस तरह MIDC और मनपा के कुछ अधिकारी पुलिस और स्थानीय नेताओं के संरक्षण में भू माफियाओं को बचाने और कानून की धज्जियां उड़ाने में जुटे हुए हैं। सवाल यह है कि आखिर कानून के संरक्षक पालक मंत्री एकनाथ शिंदे कहां हैं और इन इमारतों से बेघर हुए लोगों को न्याय दिलाने संघर्ष करने वाले मंत्री जितेंद्र आह्वाड़ कहां हैं। सवाल यह है कि आखिर तमाम शिकायतों के बाद भी दिन दहाड़े चल रही भू माफियाओं की इस अंधेर गर्दी पर हर कोई खामोश क्यों है। दीघा की बहुचर्चित अंबिका बिल्डिंग अब भूमाफियाओं के कब्जे में हो गई है। कहने के लिए यह बिल्डिंग MIDC की फाइलों में पूरी तरह सील्ड और खाली है, लेकिन हकीकत में यह राजनीतिक भूमाफियाओं का कब्जा है। रबाले पुलिस और दीघा वार्ड के नाक के ठीक नीचे चोरी की बिजली और चोरी का पानी कनेक्शन लेकर दिन दहाड़े अंबिका में यह धांधली चल रही है। सूत्रों की माने तो इस महाधांधली के असली सूत्रधार MIDC के आरओ सतीश बागल, अभियंता कलगुट की और शशिकांत गित्ते जैसे वो अधिकारी हैं जो स्थानीय नेताओं के लिए अंबिका बिल्डिंग को तोड़ने की बजाय उसे वर्षों से बचाए रखे हैं। यकीन नहीं आता तो पिरामिड इंफ्राटेक बिल्डर की इस शिकायत को जरा गौर से देख लीजिए जिसे यह जमीन सौंपी गई है। पिरामिड बिल्डर्स ने रबाले पुलिस और MIDC को शिकायत देकर बिल्डिंग में अवैध कब्जा रोकने और इसे तत्काल तोड़ने की अपील की थी, लेकिन न तो रबाले पुलिस की कान पर जूरेंगी न ही MIDC अधिकारियों में कोई जुम्बिस हुई। जाहिर है जब बात काली कमाई की हो तो फिर कार्रवाई भला कैसे होगी। सवाल यह है कि कानून का पालन कराने वाले पालक मंत्री एकनाथ शिंदे कहां हैं और इन इमारतों से बेघर हुए लोगों को न्याय दिलाने का ढोंग करने वाले मंत्री जितेंद्र आह्वाड़ कहां हैं। आखिर दिन दहाड़े चल रही इस अंधेर गर्दी पर हर कोई खामोश भला क्यों है। तो एक PI नंबर 82/2013 फाइल की गई थी बॉम्बे हाईकोर्ट में। उस समय हॉनरेबल जस्टिस ओक सर और उनके साथ में जस्टिस रेवती मोहिते देरे थी, उन्होंने हियरिंग करने के बाद, काफी हियरिंग के बाद, एक जुलाई 2013 में आर्डर पास किया। इसको है MIDC है, नई मुंबई महानगर पालिका है, पुलिस है और MIDC है। इन सबको डायरेक्शन दिया कि जो भी इलीगल बिल्डिंग है उसमें जो काम चालू है उसको काम बंद कर दीजिए, जो ऑक्यूपाइड है उनको, लोगों को वैकेट करवाइए और उनको डिमालिश करके जो जो जमीन सरकार की है सरकार को वापस दीजिए। उस आर्डर के बेस पे लगभग 4-5 बिल्डिंगों का उसमें डिमोलिशन भी हुआ। प्रेजेंट बिल्डिंग है अंबिका बिल्डिंग, उस समय वहां पर जो रहने वाले लोग थे उनको निकाला गया उस आर्डर के बेस पे, और ये डिसाइड किया गया था कि इस पे डिमोलिशन ड्राइव करके MIDC को दिया जाएगा और MIDC इसको अपना यूज करेगी या लोगों को अलाट करेगी। लेकिन आज हम लोग June 2021 में हैं, लगभग 7 या 8 साल इस आर्डर को पास हुए हो गया। अभी आपके माध्यम से मुझे मालूम पड़ा कि वो बिल्डिंग अभी भी वैसे ही खड़ी है, उसमें लाइट और पानी दिया गया है, उसमें दोबारा इलीगल लोगों को रहने के लिए अलाउ किया गया है। अगर ऐसा है तो ये क्लियर कट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनता है। बताना जरूरी है कि अवैध अंबिका इमारत को 2016 में ही तोड़कर जमीन पिरामिड इंफ्राटेक को सौंपनी थी। 22 सितंबर 2017 को जारी MIDC का यह लेटर इसका सबूत देता है, जिसमें अधिकारियों ने खुद अंबिका इमारत के जल्द निष्कासन का भरोसा दिलाया था, लेकिन आज तक तोड़ू कार्रवाई नहीं हुई। टीवी वन इंडिया के हाथ लगे दस्तावेज रबाले पुलिस की नियत की भी पोल खोलते हैं, जिसके अधिकारी कहते हैं
कि जब शिकायत होगी तब कार्रवाई करेंगे। अब 3 अप्रैल 2021 को भेजे गए इस लेटर को ही देख लीजिए। यह लेटर पिरामिड बिल्डर ने उसी रबाले पुलिस को लिखा था और बिल्डिंग में अवैध कब्जे को लेकर सूचना देते हुए तत्काल इसे रोकने की अपील की थी। इतना ही नहीं, पुलिस आयुक्त से लेकर एसीपी डीसीपी सबको शिकायत दी, लेकिन किसी ने भी कुछ भी नहीं किया। ऐसे में यह क्यों नहीं मान लेना चाहिए कि दीघा में कानून का नहीं बल्कि भू माफियाओं और दबंग नेताओं का राज चलता है, वरना ऐसी धांधली पर एमआईडीसी और पुलिस भला खामोश कैसे रह जाती। चूंकि ये लैंड बिलोंग करती है एमआईडीसी को, तो कंसर्न एमआईडीसी ऑफिसर की जिम्मेदारी है कि उस कोर्ट के आर्डर को इम्प्लीमेंट किया जाए और लोकल जो पुलिस स्टेशन है उनको सपोर्ट करे। अगर उस बिल्डिंग में इलीगल लोग इलीगली ऑक्यूपाई करके रह रहे हैं, उसको अगर इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई की जा रही है और अगर लोगों को रहने दिया जा रहा है, तो इसके लिए एमआईडीसी और जो लोकल पुलिस स्टेशन या अन्य गवर्नमेंट के उसके कंटेम्प्ट अथॉरिटीज़ हैं उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होना चाहिए। अगर इस तरह की चीज़ों को नहीं रोका जाएगा और अगर कोर्ट के आर्डर्स को फॉलो नहीं किया जाएगा और जो इस तरह के इलीगल कंस्ट्रक्शन लोग करते हैं, जो इस तरह के कोई भी इलीगल एक्टिविटीज होती है, ऐसी मानसिकता के लोगों को बढ़ावा मिलेगा। टीवी वन इंडिया इस मनमानी मामले को लेकर लगातार आवाज बुलंद कर रहा है कि आखिर किस तरह दिन दहाड़े हाई कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, किस तरह बिल्डर एमआईडीसी अधिकारी और पुलिस मिलकर भूमाफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं। हमारा मानना है कि यदि अंबिका में भूमाफिया और दबंग नेताओं के लोग रह सकते हैं, तो फिर वे गरीब और मजबूर लोग क्यों नहीं, जिन्होंने अपनी खून पसीने की कमाई से यहाँ घर खरीदा था, लेकिन एमआईडीसी ने इन्हें कानून का डंडा चलाकर बाहर निकाल दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।